हेल्दी टेस्टी सब्जियों से भरा हुआ और वो भी केवल एक चम्मच तेल में तैयार होने वाला नाश्ता अगर सवेरे ब्रेकफास्ट में खा ले तो मजा आ जाए। आज मैं आपको सूजी का बहुत ही हेल्दी और सब्जियों से भरा हुआ टेस्टी नाश्ते की रेसिपी सिखाने वाली हूँ जिसका स्वाद लाजवाब है। तो चलिए सूजी का हेल्दी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए पहले हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं आधा कप सूजी ले लेती हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप सूजी ली है। 3 tablespoon दही, मैंने घर की जो ताजा दही है उसी का उपयोग किया है। दोनों सामग्री को मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने पानी लिया है। पहले मैं इसमें से आधा ही डालूंगी, बाकी का पानी मैं बाद में ऐड करूंगी। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है, अब मैं बाकी का पानी है वो ऐड कर देती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, मिश्रण को चेक कर लेते हैं। ये देखे दोस्तों, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। मुझे ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच पानी ऐड कर देती हूँ। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, हमें इसी प्रकार से इसे तैयार करना है। दोस्तों अगर आपको जरूरत लगे तो ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कीजिएगा। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। 1/4 कप बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, गाजर और कैप्सिकम लिए हैं। दोस्तों मेरे पास अभी ये वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं तो मैं इसी का उपयोग कर रही हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1 teaspoon मिर्ची का पेस्ट, 1/2 कप धनिया। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं हमेशा जब भी ये नाश्ता बनाती हूँ तभी उसमें बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करती हूँ जिससे ये नाश्ता टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो जाता है। 1/8 teaspoon खाने का सोडा। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हम नाश्ता बना लेते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार से मैं छोटा नाश्ता तैयार करने वाली हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली कढ़ाई है तो आप बड़ा भी नाश्ता बना सकते हैं। मैं पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है इसलिए हमें ऑयल का बहुत ही कम उपयोग करना है। दोस्तों ये नाश्ते की खूबी ही यही है कि बहुत कम तेल के अंदर ये नाश्ता बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। अभी हमने जो नाश्ता तैयार किया है उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। स्पैचुला की सहायता से नाश्ते को मैं पूरी कढ़ाई के अंदर स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से लेवल कर लिया है। अब मैं इसे कुक कर लेती हूँ। मैंने एक तवा ले लिया है और उसके ऊपर हमने जो तैयार किया हुआ नाश्ता है वो रखने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपका बर्नर एकदम छोटी साइज का है तो आप डायरेक्टली ही इसे कर सकते हैं, पर मेरा ये जो बर्नर है वो बहुत ही बड़ा फ्लेम वाला है इसलिए मैं हमेशा इस प्रकार से तवा रखती हूँ और उसके ऊपर मैं वो पैन को रख दूंगी। इस प्रकार करने से नाश्ता बिल्कुल नहीं जलेगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपके गैस का फ्लेम बहुत ही कम है तो आप डायरेक्टली ही इसे रख सकते हैं। उसे मैं ढक देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर कुक कर लेती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं नाश्ते को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसा नाश्ता हमारा बना है। एक साइड से नाश्ता बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पैन के अंदर अभी भी तेल लगा हुआ है, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता तैयार होता है। अब यही पैन के अंदर हम छौंक कर लेते हैं। मैंने पैन के अंदर 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें सरसों डाल देती हूँ। सरसों क्रैकल हो चुकी है, अब मैं इसमें 1 tablespoon सफेद तिल डाल देती हूँ। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। सारे वगार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं नाश्ते हमने जो तैयार किया है उसे पैन में डाल देती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप नाश्ते को पैन में ऐड कीजिएगा। अब मैं इसे ढक के करीबन 1 मिनट के लिए सेक लेती हूँ। 1 मिनट हो चुका है और मैं आंच को बंद कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता तैयार हुआ है, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको कट करके बताती हूँ। मैं इसे कट कर लेती हूँ। दोस्तों ये नाश्ता आप ठंडा नहीं तो गर्म दोनों प्रकार से खा सकते हैं, ये दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसे सवेरे ब्रेकफास्ट में, बच्चों को टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में या तो शाम को नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। आप इसे टमाटो केचप नहीं तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया लगते हैं। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस सूजी का नाश्ता जिसे हमने केवल 1 चम्मच तेल में बनाया है वो बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।